तो कैसे हो भाई लोग? आज हमारे पास स्कॉर्पियो की चाबी आ गई, जो ओल्ड मॉडल है पुरानी, जो उसमें ब्लेड अपना टाटा इंडिका का लगता है। आप देख सकते हो ये चाबी ब्रोकन हो गई है, और ये मैंने चाबी बनाई है, ब्रोकन चाबी की बेटिंग देख के मैंने चाबी बनाई है, और इसकी हम डिकोडिंग करेंगे। अपनी मशीन डिकोड कर बनाती है या नहीं, ये एक बार चेक करेंगे, कंफर्म करेंगे, क्योंकि हमने मशीन में डिकोड नहीं किया कभी, तो इसलिए मैंने चाबी बेटिंग बना दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसका डिकोड करके देखेंगे कि मशीन डिकोड होता है या नहीं। तो ये अपना पुराना वाला इंडिका का ब्लेड है, पता है आप लोगों को, चाबी वाले भाइयों को, तो हम इसको बनाएंगे आज। चलो इसका प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद आप लोगों को पता है हम एसएन नंबर पे ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारा एसएन नंबर है 5761, यह हमारा एसएन नंबर है। सर्च करेंगे, आ गया टाटा, देख सकते हो आप इधर, और इसकी सीरियल नंबर भी आ गई, 1 से लेके आप 5200 तक अपना काम कर सकते हो। ठीक है, कार्ड पे जाएंगे, आ गया इसका पूरा मैनुअल। तो हम डिकोडिंग करेंगे, डिकोडिंग हमारी मशीन करती है या नहीं एक बार चेक करेंगे। डिकोडिंग ठीक है, 0 पे स्टॉप करने को कहा है इसने, तो चलो पहले हम चाबी लगा दें। शटर लगा दिया, मैं अकेला हूँ इसलिए चाबी मैं हाथ से ही लगाऊंगा। तो चलो हमने चाबी लगाई, अपना ट्रसर भी डाउन कर दिया है हमने, और चाबी भी लगाई, देख सकते हो उधर, हम 0 पे ही लॉक किया इसको, 0 नंबर पे। तो शटर डाउन करेंगे और मशीन को स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस स्टार्ट हो चुके, डिकोडिंग की प्रोसेस है, पहले देख सकते हो आप लोग इधर, स्टार्ट मतलब स्टॉप मतलब मशीन स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो आपको शो नहीं हो रहा, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ, अंदर लाइट नहीं जल रही इसलिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मशीन की अपनी प्रोसेस चालू हो चुकी है। और जो भी भाई कमेंट करते हैं कि आप पूरी वीडियो बनाना बनाया करो, क्योंकि वो लॉक सेट वगैरह जो खुलते हैं चाबी नहीं लगाते, तो उन भाई लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई लोग, मैं अकेला ही बंदा हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के एक हाथ से लॉक चाबी घुमा नहीं सकता, तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। देखो अपनी मशीन डिकोडिंग हो गई, और इधर बेटिंग भी आ चुकी है, देख सकते हो, आराम अपनी चाबी निकालेंगे, और ये देख सकते हो एकदम परफेक्टली हमारी मशीन ने डिकोड कर लिया, मतलब हमारी मशीन डिकोड भी कर सकती है, चाबी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो घिसी पिसी हो गई चाबी तो अपनी मशीन डिकोड नहीं करती, आपको रेटिंग देख के ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम दूसरी साइड इसको लगाएंगे, देख सकते हो भाई लोग, हमने चाबी दूसरी साइड लगाई, और हमारा स्टॉपर भी आप देख सकते हो यहाँ पर है। ठीक है, तो हम अपना शटर डाउन करेंगे, और हम कटिंग के प्रोसेस ऑन करेंगे। देख सकते हो इंटरफेस आ गए, स्टार्ट करेंगे हम, कटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो, कट ऑफ साइड 1 पीसेस 1। अब हमारी लाइट जलेगी, देख सकते हो अब हमारी लाइट जलेगी, और कटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई, शटर उठाएंगे हम, चाबी निकालेंगे, शटर डाउन करेंगे, और यह हम कैंसिल करेंगे। तो देख सकते हो भाई लोग, हमारी कटिंग एकदम सक्सेसफुली हो चुकी है, और मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि ये चाबी इधर उधर थोड़ी बहुत घिस गई, और इधर उधर घिस के घिस गई, ख़त्म हो गई, तो ये मशीन डिकोड नहीं करती। जैसे अपनी एक्सॉस मशीन डिकोड कितनी भी चाबी घिसी हो गई है, आपकी चाबी वो डिकोड कर लेती है, लेकिन फ्यूचर मशीन ये चाबी डिकोड नहीं करती।
तो चाबी अच्छी होगी तभी डिकोड हो सकता है, या घिसी पिसी हो गई तो चाबी डिकोड नहीं हो सकती। ठीक है, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।